फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग लग्जमबर्ग में है। ये हमारा होटल था, एबिस होटल, और अभी हम लग्जमबर्ग से जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। और उस बीच वाइल ट्रैवलिंग टू स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी से जा रहे हैं तो डार्क फॉरेस्ट भी हमें दिखेगा वहाँ पे। तो बाय रोड ये जर्नी रहेगी हमारी पूरी, ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स की रहेगी। उसमें ब्रेक भी इंक्लूडिंग्स रहेंगे उसमें। आज तो हमारा मोस्टली बर्गर लंच रहेगा दोपहर में अराउंड 12 o'clock। देखते होप यू एंजॉय दिस जर्नी, और आपको अपडेटेड रखूँगा मैं पूरे जर्नी की। इस ट्रैवल में हमारे को पैसेंजर्स ने बहुत मनोरंजन किया। फॉरेस्ट रीजन से जा रही है, पियर बुक करके एक जगह है ये। यहाँ ये जो सिटी है, वैसे अगर आप कहोगे तो ये यहाँ पे जर्मनी की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इस यहाँ पे इस सिटी में है। इसके लिए आपको बहुत सारे साइकिल पे स्टूडेंट जाते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है। ये एक्चुअली पोर्शन जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पोर्शन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के ऊपर अटैक किया था और जर्मनी की जो नाजी सेना थी उन्होंने ये ब्लैक फॉरेस्ट, पहले ये यहाँ पे बहुत थिक जंगल था, पाइन और फोर का थिक जंगल, मतलब नीचे सनलाइट भी नहीं आती थी। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ये जगह जो है उन्होंने छुपने के लिए यूज की थी। जो नाजी सेना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने से पहले जब रशिया अटैक कर रहा था, तो ये नाजी सेना ने यहाँ पे जो सोल्जर जैसे उन्होंने छुपने के लिए उसका यूज किया था ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो गई। एक तो उन्होंने फिर कुछ काम करते करते उन्होंने पहले एक इंडस्ट्री डेवलप हुई जो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं कुकू क्लॉक, लकड़ी का क्लॉक, मालूम है ना कुकू क्लॉक, आपने देखा। ये हमारा रेस्टोरेंट है, मोस्टली जर्मनी में मिले जाते हैं हम लोग। इसकी कॉस्ट अराउंड है 6,566 euros। बहुत सुंदर है, 12,000 euros। देखो ब्लॉक से यहाँ पे Thank you.
फ्रेंड्स, अभी हम स्विट्ज़रलैंड एंटर किया है और ये देखो सुंदर नज़ारा है राइन फॉल। आई दीप्ति हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के होटल में। ये प्राइज़ होटल है होटल, और अभी हमारा ये यहाँ पे 2 दिन का स्टे है। कल हम लोग यहाँ से स्विट्ज़रलैंड से ही स्नो देखने जाएंगे। बढ़िया सा होटल दिख रहा है यहाँ पे। ये यह हमारी बस है। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये। होटल है 401 फोर्थ फ्लोर पे। बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया रूम है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट रूम वी हैव सीन इन यूरोप, आई गेस सो। या इनफ लाइटिंग है। पता नहीं ये ट्विन बेड क्यों दी है, सेपरेट वो भी। Let's see the washroom. I hope it will be very nice. Yeah. See? Wow. Great. So, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद एक सुपर मार्केट है कूप करके, राइट? तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे बोला है कि चॉकलेट्स मिलेंगे, लिंट चॉकलेट कुछ तो बोला है। और वहाँ पे चॉकलेट्स मिलेंगे, मैं मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स और फैमिली को लेके जाऊँगा वहाँ पे, और देखेंगे अगर कुछ और अच्छा चीज़ मिलती है तो वो भी लेंगे वहाँ पे हम लोग। तो मिलते हैं, बाय बाय। बाहर निकले हैं शॉप में जाने के लिए, ठंडी है इतनी नहीं लग रही। ये देखो डबल डेकर ट्रेन है यहाँ पे। मैंने तो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ऐसे ट्रेन देखी थी।
आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये तुम देखो ऊपर भी है नीचे देखे। अभी तक तो मैंने डबल डेकर बस देखी थी, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद ही पता चला। मैं यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन आपको जैसे बताऊंगा कि यहाँ पे कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है वो 60% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है, और यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिक बसेस बहुत है, और वो बसेस इसे बैटरी पे रन नहीं होते मोस्टली। वो जैसे आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स देखे होंगे, उसके ऊपर मुंबई में अगर गए होंगे तो इलेक्ट्रिक तार वैसी होती है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं, तो सिमिलरली वहीं पे वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं।